हाय हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड हाउ आर यू। आई एम गुड सर। सर आप साबरकर फिल्म में गांधी जी का रोल प्ले करने वाले, तो जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर। क्या कुछ नया होने वाला है इस बार इस फिल्म में? क्या कुछ नया होने वाला है? नया इस फिल्म में तो ये जो सब्जेक्ट है वीर सावरकर जी के ऊपर, अभी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि वीर सावरकर जी कौन थे। ठीक है, मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे याद नहीं है कि हिस्ट्री बुक्स में उनका कुछ मेंशन था या क्या थे कौन थे। तो नया जो ये फिल्म है, ये फिल्म ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, ये सावरकर जी के ऊपर है। ये उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी जो सोच रही है, उसको ये दर्शाया जा रहा है। उन्होंने क्या किया, वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर पाए, और फिर जनरली लाइफ ऑफ दिस वन फ्रीडम फाइटर हुज लाइफ अ कॉमन मैन इज नॉट अवेयर ऑफ। तो मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि मैं भी इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म के थ्रू जानूंगा कि वीर सावरकर जी एक्चुअली कौन थे, क्या थे। सर, आपके वहाँ कैरेक्टर गांधी जी का है, तो बहुत ही टफ होगा आपके लिए ऑन स्क्रीन के लिए। जो आपका कैरेक्टर गांधी जी का था, तो आपने कैसे इस चैलेंज को कंप्लीट किया? बिकॉज बहुत कठिन होता है जब आप किसी एक व्यक्ति का परफॉर्म कर रहे हो जो कि किसका बायोपिक कर रहे हो। तो तो डेफिनेटली ये बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था। इनफैक्ट कोई भी, किसी भी रियल इंसान को, अब मैं कैसे ओके तो ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी रियल कैरेक्टर को पर्दे पे निभाना इज अ वेरी टफ जॉब। मतलब आप जैसे गांधी जी हैं, उनके ऊपर लाइव फुटेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनका पहनावा, उनका बोलचालन, उनका शरीर, उनका वॉकिंग स्टाइल, उनका टॉकिंग स्टाइल, लाफिंग स्टाइल, मतलब उसको आपको कॉपी करना है। मेरे सबके बस में नहीं होता कॉपी करना, तो मैंने कॉपी नहीं किया उनको, क्योंकि मैं फेल हो जाता अगर मैं उनको कॉपी करता। ठीक है, तो बस मैंने वो चीज़ें अपने परफॉर्मेंस में अपनाई जो मेरे हिसाब से, जो मैं जितना भी मैं गांधी जी को समझता हूँ, जानता हूँ थोड़ा बहुत उनके बारे में, कि बहुत ही प्योर इंसान थे, बहुत ही नम्रता वाले इंसान थे, वेरी सॉफ्ट। और कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज करूँ मैं उनके लिए, सिंसियर, ऑनेस्ट, बिलीविंग इन हिमसेल्फ, बिलीविंग इन हिज थॉट प्रोसेस, पुटिंग हिज 100% टू अचीव दैट वेरी एक्शन दैट ही हैज टेकन, पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल इन टू इट विद ऑल ऑनेस्टी, विद ऑल सिंसियरिटी। गुस्सा भी होना है तो आवाज़ नहीं उठानी, एक अलग ही ढंग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, रीजनेबल। तो ये जो भी एडजेक्टिव्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारी मैंने मैंने अपनी परफॉर्मेंस में रखे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं खरा खरा उतरा हूँ, और खरा लोगों को भी, ऐसा ऑडियंस को भी लगेगा कि हाँ मैं खरा उतरा हूँ, और मुझ पर उंगलियाँ ना उठें कि यार ये बहुत ही, मतलब कहने का मतलब है, इधर आपको प्रशंसा मिलती है या फिर भाई क्या हक दिया इसने, मतलब इसको करना नहीं चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज,
माय डायरेक्टर इज वेरी हैप्पी विद मी, रणदीप हुड्डा इज वेरी हैप्पी विद मी, और जिसने भी जी स्टूडियोज वालों ने, जो एक दो को जानता हूँ, उन्होंने भी मुझे कहा है यस राजेश यू आर लुकिंग गुड एंड यू हैव डन इट विद ऑल ऑनेस्टी. तो मुझे भी लगता है अंदर से आवाज़ आती है कि यार तूने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है. तूने जैसे मेरे डायरेक्टर ने कहा था मुझसे कि जब तक मैं फास्टिंग नहीं करूँगा, वज़न कम नहीं करूँगा, मैं इस रोल को ईमानदारी से पूरी तरह से निभा नहीं पाऊँगा. तो मैंने भी फास्टिंग की, 7 किलो वज़न घटाया, अपने आप को भूखा रखा, शूट के दौरान भी भूखा रखा. तो उस भूख से, तो वो कहीं ना कहीं वो भूखापन आपके परफॉर्मेंस में नज़र आता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं दिमाग में, और बाकी फिंगर्स क्रॉस. यार मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला. जियो और जीने दो, सिर्फ अपने लिए मत जियो, नेबर के लिए जियो, सोसाइटी के लिए जियो, और अपना बेवकूफ मत काटो. फोकस एंड अ रियल फोकस, गलत फहमी का शिकार मत होना भाई, नहीं तो वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा लाइफ में. एंड वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट एंड यू विल रॉक. थैंक यू सो मच सर.